बल्लभगढ़ में आज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की टीम जमीन पर बनी अवैध झुग्गियों पर निस्तानाबूद कर दिया। सेक्टर 61 के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित इस जमीन पर करीब 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा की थी, जिसके बाद 10 एकड़ की इस जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और अवैध रूप से झुग्गियां बनाकर रहने लगे। हालांकि प्रशासन द्वारा जमीन को खाली करवाने को लेकर कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन अब कोर्ट के आदेश आने के बाद इन अवैध झुग्गियों को तोड़ दिया गया और इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। ये 61 सेक्टर है हमारा हुड्डा HSBP का, और इसमें ये हमारा पहले केस चला था, ये हार गए और ये हमने कब्जा ले लिया इन पे से। इन्होंने अवैध कब्जे बना रखे थे तोड़ रहे हैं, साफ खाल कर रहे हैं। ये ट्रांसपोर्ट नगर है हमारा, 10 एकड़ जमीन में है ये। अच्छा। और ये ट्रांसपोर्ट नगर है अपना। तो नोटिस दिया गया था? नहीं, नोटिस नहीं दिया था। जो मालिक थे इनके, जो किसान थे जो पहले थे, वो किसानों से हमने एक्वायर करी थी, तो ये किसान नहीं है, ये ऐसे ही बैठ गए थे बाद में। अच्छा, वैसे ही बना लिया? हाँ हाँ, ये झुग्गी वैसे ही बना ली है। ये यहाँ के ना तो मालिक है ना ये किसान है, इन्होंने वैसे ही कब्जा कर लिया है यहाँ पे बना के। नहीं, तोड़ने से पहले एक बार आपने? नहीं, इनसे कह गए थे हम सर, कल भी कह गए थे, परसों भी कह गए थे इनसे। चलो कल तो कल इनसे कह गए थे इनसे हम भाई, इनको आप यहाँ से, कल भी थोड़ा बहुत हम करके गए थे इनको कहने के लिए, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई हटाया नहीं, उसके बाद का कोई उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। तो ये हमारे ऊपर सरकार के आदेश है। जिसने जमीन बेची है उसके खिलाफ केस होगा? नहीं नहीं, सरकार उसके खिलाफ, किसने बेच रखी जमीन? हुड्डा की जमीन है, तो ये तो HSBP की जमीन है, सॉरी, तो इसे कौन बेच सकता है? तो हुड्डा ही अपना बेचेगी जिसको देगी। जो ट्रांसपोर्ट नगर है, जो भी इसमें दुकान कटेंगे या कुछ भी जो देगा, वो HSBP देगा जी। तो इसमें किसी ने बेचा नहीं है। जिन लोगों ने ये बसाए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? नहीं, देखो किसने बसाए हैं, या तो ये करेंगे कार्रवाई, इन्होंने पैसों से खरीदी है उन्होंने सरकारी ज़मीन, या कैसे बैठे हैं, या फ्री में बैठे हो, तो ये जानते होंगे। इसके बारे में हमारा डिपार्टमेंट क्या बता सकता है सर? तो ये कह रहे हैं हमने तो पैसों से खरीदी है और लगातार कई सालों से हम यहाँ रह रहे हैं। कुछ ऐसे भी पिछली तरफ केस आए हैं, इन्होंने बताया कि रजिस्ट्री है हमारी, लेकिन जब रजिस्ट्री हुई है, जब भी रजिस्ट्री है उनकी, तो उसके बाद जब हुड्डा ने एक्वायरमेंट कर ली है, तो उसके बाद हुड्डा इसका मालिक बन गया है जी। ना तो वो कोर्ट गए हैं, उनका जो पैसा वो तो कोर्ट में जमा होगा, या किसानों ने उठा लिया जिन्होंने भी किए वो। तो ये सारी जमीन अपने हुड्डा की है, ट्रांसपोर्ट नगर की है सर। 10 एकड़ जमीन है। बता दें कि फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में अवैध कब्जों के खिलाफ आए दिन कार्रवाई की जाती है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकारी जमीनों पर कब्जे के दौरान प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगती, या फिर ये सारे अवैध कब्जे अधिकारियों की मिलीभगत से होते हैं। बल्लभगढ़ से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।